Good morning students. So today we are going to learn chapter number 14, data handling. Data handling handling handling, इसको डाटा भी बोलते हैं, ठीक है. डाटा या फिर मतलब डेटा का मीनिंग होता है कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना, ठीक है. और ये हमारा पेज नंबर कौन सा है, 140. तो जब भी हम लोग हैं ना, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने बोला हो कि आपके घर में टोटल कितने मोबाइल्स हैं, तो अगर आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हो कि आपकी मम्मी के पास में है, पापा के पास में है, अगर आपके दादा दादी है तो उनके पास में है, ठीक है. तो मतलब आप टोटल मोबाइल कितने हैं, वो इन्फॉर्मेशन जब हम कलेक्ट करते हैं तो उसको डेटा बोलते हैं, ठीक है. तो डेटा DATA डेटा इज अ कलेक्शन, CLLECTION कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन, INFORMATION information, INFORMATION information about, ABOUT about things, THINGS things और people. जब भी हम किसी things के लिए और people's की information collect करने के लिए जो information collect करते हैं उसको data बोलते हैं, ठीक है. The first one, Rohan, ROHAN, Rohan's mother, apostrophe S है, मतलब रोहन की mother, is making his favorite, FAVOURITE, favorite fruit salad. रोहन की mother क्या बना रही थी, fruit salad. The number of fruits she has used are given in the following table. जो जो fruits उसने use किए, उसने 3 fruits use किए हैं, कौन कौन से, apple, बनाना एंड ऑरेंज, ठीक है. एप्पल्स कितने यूज़ किए, 8. बनाना कितने, 4. एंड ऑरेंजेस 5. उसको फ्रूट सलाद बनाना था तो उसने सब फ्रूट्स ले लिए, ठीक है. उसने एप्पल 8 लिए, बनाना 4 एंड ऑरेंजेस 5. नाउ लेट अस सी द क्वेश्चंस. द फर्स्ट वन ये क्या है, एप्पल. एप्पल आर यूज्ड इन सलाद. एप्पल कितने यूज हुए थे, क्या लिखा हुआ है इधर, 8. तो हमें इधर क्या लिखना है, 8. डेटा हैंडलिंग चैप्टर बहुत इजी है, सिर्फ हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही हमें नोट डाउन करनी है. तो मैंने इधर 8 लिख दिया. अभी देखो, नंबर ऑफ बनाना यूज्ड इन सलाद इज ब्लैंक, मोर और लेस देन एप्पल, ठीक है. ये जो बनाना है वो कितने है, 4. तो वो एप्पल से लेस है या मोर है, ऑब्वियसली कम है ना, तो लेस. तो यहाँ पे आपको लिखना है लेस, यहाँ पे लेस में टिक करना है, देन द नंबर ऑफ एप्पल. इजी. बनाना क्या है, लेस है. नेक्स्ट, ऑरेंजेस आर यूज्ड इन सलाद. कितने ऑरेंजेस यूज किए थे हमने, 5. तो वी हैव टू राइट हियर 5. इजी डन. द नेक्स्ट वन देखो, क्वेश्चन नंबर 2. इन योर क्लास ऑल चिल्ड्रन आर वेयरिंग शूज या सैंडल्स, ईच वन हैज़ अ डिफरेंट शू साइज. सब ने क्या पहना होगा, शू. हम लोग स्कूल में शू पहन के आते हैं और सबकी शू साइज़ क्या होती है, अलग अलग. नाउ रीड द फॉलोइंग टेबल. शू साइज, जिसकी शू साइज 12 होगी वो कितने नंबर्स, वो हमारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स होंगे, 10. और 1 नंबर का शूज़ पहनते होंगे वैसे 14 स्टूडेंट्स होंगे, और 2 वाला 3. मतलब जैसे सबके अभी सबकी क्लॉथ साइज़ अलग अलग होती है, सबके शू साइज़ अलग अलग होती है, तो आपके क्लास में जितने आप अपने शूज़ को आइडेंटिफाई कर सकते हो ना, जब हम लैब में जाते हैं तब शूज़ निकाल के जाते हैं तो वापस आके हम अपने शूज़ को कैसे पहचानते हैं, उस या तो हमें पता ही चल जाता है कि ये हमारे शूज़ है, क्यों, क्योंकि हम इसको रेगुलर, तो उसमें कुछ भी साइन होता है. और नेक्स्ट, नहीं तो नंबर्स, पीछे हम लोग नंबर से देख सकते हैं. तो अभी नंबर ऐसा होता है, जैसे 12 नंबर के शूज़ है वो आपके क्लास में 10 स्टूडेंट वेयर करते हैं, फिर 1 नंबर के 14 और 2 नंबर के 3. तो अभी हमें क्वेश्चंस के आंसर देने, हाउ मैनी चिल्ड्रन, CHILDREN चिल्ड्रन हैव 2 एज द शू साइज. 2 नंबर की शू साइज कितने चिल्ड्रंस पहनते हैं, 3. तो यू हैव टू राइट 3. इसमें कुछ नहीं है, ऊपर जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही हमें वापस जो क्वेश्चन पूछे उसमें राइट करना है. विच शू साइज इज मोस्ट कॉमन, मोस्ट कॉमन, COMMON कॉमन, मतलब सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सा साइज़ है, सबसे ज़्यादा कौन से नंबर के शूज़ चिल्ड्रंस वेयर कर रहे हैं हमारे क्लास में,
वन नंबर के, तो कॉमन कौन सा हुआ, वन नंबर। हाउ मैनी चिल्ड्रन हैव 12 इज द शू साइज, 12 साइज के कितने स्टूडेंट्स वेयर करते हैं, 10, तो हमें इधर लिखना है 10। हाउ मैनी मतलब कितने स्टूडेंट्स 12 नंबर की साइज के शूज वेयर करते हैं या पहनते हैं, ठीक है। इजी, पहले में हमें 2 नंबर की साइज का पूछा था तो उसमें कितने स्टूडेंट थे, 3। फिर कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन कौन सी साइज़ है, 14। कॉमन मतलब जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है उसको हम कॉमन बोलते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट वन, थर्ड, अ शॉपकीपर सेल्स वेरियस फ्लेवर ऑफ आइसक्रीम, यू ऑल लव आइसक्रीम्स हम, ठीक है, तो उसमें बहुत सारे फ्लेवर्स होते हैं आपको पता है, तो रखेगा ही। रीड द केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, अभी शॉपकीपर बहुत सारी आइसक्रीम सेल करता है और सब लोग अलग अलग फ्लेवर की लाइक, तो हम उस शॉपकीपर के पास 4 फ्लेवर्स थे, स्ट्रॉबेरी, वेनिला, चॉकलेट और मैंगो। स्ट्रॉबेरी कितनी आइसक्रीम सेल हुई, 38 लोग उसको लेके गए, वेनिला 25, फिर चॉकलेट 43 एंड मैंगो 20। तो सबसे कॉमन फ्लेवर कौन सा है, मोस्ट पॉपुलर, 43। फिर स्ट्रॉबेरी कितने लोग लाइक करते हैं, 38, वेनिला 25 और मैंगो 20। अभी देखते हैं क्वेश्चंस क्या है, विच फ्लेवर इज़ मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर फ्लेवर कौन सा है, 43 मतलब चॉकलेट फ्लेवर जो सबसे ज़्यादा सेल हुआ है, जिसको सबसे ज़्यादा सबने बाय किया है या परचेज, वही फेवरेट होगा ना। हाउ मैनी पीपल लाइक स्ट्रॉबेरी फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर कितने लोगों को पसंद आया, 38 को। विच इज़ लाइक मोर, वेनिला और मैंगो, अभी देखो कौन सा फ्लेवर ज़्यादा पसंद है, वेनिला कितना है, 25 और मैंगो कितना है, 20, तो मोर कौन सा है, वेनिला, तो यू हैव टू राइट यर वेनिला, क्योंकि जो लोगों ने अगर ज़्यादा परचेज़ किया वही फेवरेट हुआ ना, अगर उन्हें अच्छा लगा है तभी तो उन्होंने परचेज़ किया है, ठीक है। फिर हाउ मैनी आइसक्रीम कॉन्स डिड द शॉपकीपर सेल इन टोटल, टोटल आइसक्रीम कौन उसने कितने सेल किए, तो आपको यहाँ पे टोटल करना है। देखो 8 इज़ इन योर, पहले वन साइड वाले सब करने हैं, 8 इज़ इन योर माइंड, 5 आप लोग इधर लाइंस भी कर सकते हो, फिंगर्स भी, क्योंकि ये बड़ा डिजिट है इसलिए आप लाइन भी कर सकते हो। फिर 3 जैसे छोटे बच्चे करते हैं, फिर 0 का तो कुछ है नहीं, तो 8 के बाद से काउंट करना है, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, ठीक है। तो 16 का हम इधर क्या लिखेंगे, 6 एंड 1 ऊपर, ठीक है। 1 + 3, 4, 4 इज़ इन योर माइंड, 2 फिंगर, 4 भी फिंगर एंड 2 भी, ठीक है। तो अभी मुझे 4 के बाद से काउंटिंग स्टार्ट करनी है, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, तो 126। उस शॉपकीपर ने पूरे डे में 126 आइसक्रीम सेल की। मैंने क्या किया, फर्स्ट वाला माइंड में रख के बाकी सब, इसकी फिंगर भी आप निकाल सकते हो और लाइंस भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। फिर मेरे पास तो अभी हैंड यूज़ एक ही हैंड है, इसलिए छोटा फिंगर, इसलिए मैंने आपको यहाँ पे लाइंस ड्रॉ करके बता दिया। आप भी लाइंस ड्रॉ करके भी कर सकते हो, फिंगर से भी कर सकते हो, वैसे तो अभी गो इसलिए लाइंस से ही करना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट वाला देखो, लुक एट द टाइम टेबल ऑफ क्लास 2 एंड कंप्लीट द टेबल। आपको ये आपका टाइम टेबल है, आपको पहले अच्छा करना है ये 3 सम्स, 1, 2 एंड 3, ये तीनों सम्स रीड करने हैं और अच्छे से समझने हैं, ठीक है। फिर हम लोग कल नेक्स्ट सम करेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।